मध्य प्रदेश के इंदौर में कांग्रेस कमेटी द्वारा किए गए कलेक्टर कार्यालय पर मौन प्रदर्शन के दौरान हुए विवाद को लेकर पुलिस द्वारा किए गए आपराधिक प्रकरण दर्ज को लेकर कांग्रेस विधायकों ने डीआईजी को ज्ञापन सौंपकर न्याय संगत कार्यवाही की मांग की है। बता दें, इंदौर में कांग्रेस कमेटी द्वारा सैकड़ों कार्यकर्ताओं व कांग्रेसी विधायक ने धार्मिक आयोजनों की अनुमति को लेकर राजवाड़ा से कलेक्टर कार्यालय तक मौन प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपने को लेकर रैली निकाली गई थी। कलेक्टर कार्यालय पर कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा विवाद की स्थिति निर्मित हुई, जिसके बाद पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज सहित वाटर कैनन का उपयोग किया था। कांग्रेस कमेटी द्वारा किए गए इस तरह के प्रदर्शन के बाद पुलिस द्वारा शासकीय कार्य में बाधा सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया था, जिसको लेकर आज कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं सहित विधायक जीतू पटवारी, संजय शुक्ला द्वारा डीआईजी कार्यालय पर पहुंचकर ज्ञापन सौंपा गया और न्याय संगत कार्यवाही की मांग की गई। फिर कांग्रेस ने प्रदर्शन व पुलिस विभाग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पूरी तरह से सरकार के अधीन प्रशासन और पुलिस विभाग कार्य कर रही है, वह आने वाले समय में कांग्रेस पूर्व प्रशासन और पुलिस विभाग के अधिकारियों को जवाब दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में जिस भाव से सरकार चल रही है, वो लूट और खसोट की एक सरकार की जो सोच हो गई, वो भी बहुत एक तरह से लुटेरी सोच हो गई। आप देखो कि 3 दिन से लगातार आंदोलन हो रहे हैं। जो एक आंदोलन सरकार समर्थित लोगों का होता है, उस पर किसी भी प्रकार की कोई धाराएं ऐसी नहीं लगती है जिससे कि वो संज्ञान में आए कि ये आंदोलन था। कांग्रेस पार्टी ने न्याय के लिए, प्रशासन की अक्कल ठिकाने लाने के लिए, कि आप एक जैसा सोचो, दो आंखें और दो विचार आपके नहीं होना चाहिए, इसके लिए मौन जुलूस निकाला। प्रशासन ने, पुलिस ने बोछारे की। जब हम सामने जाके बैठे और हमने कहा बोछारों की जरूरत नहीं है, शांतिपूर्ण होगा, और शांतिपूर्ण हुआ, कोई गड़बड़ नहीं हुई, तो भी बलवा लगा दिया, तो भी 153 लगा दी, 188 अगर लगाते तो लगता है कि हाँ, शासन ने न्याय किया। दूसरों के साथ किया, वो हमारे साथ किया, पर इस तरह से पुलिस काम नहीं कर सकती है। कांग्रेस पार्टी ने, सबने मिलकर इस कल के मामले पर जो धाराएं लगाई, जो डराने और धमकाने की बातें की, इसको संज्ञान में लेते हुए ये कहा है कि न्याय करो, अगर इस तरीके से करोगे तो 1 महीने में फिर आईजी ऑफिस पर, डीआईजी ऑफिस पर भी उसी तरह का आंदोलन होगा। ये हमने सीधे पुलिस विभाग से अनुरोध किया है। आंदोलन से और धाराओं से डरने वाले कांग्रेस पार्टी के लोग नहीं हैं, पर अगर आप न्याय नहीं करोगे तो हमें आप पे भरोसा नहीं रहेगा, और जब हमें आप पे भरोसा नहीं रहेगा तो लोकतंत्र का सही तकाजा नहीं रहेगा। हम चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी कानून के मानने वालों की पार्टी है, कांग्रेस पार्टी प्रेम प्यार मोहब्बत और इस देश को बनाने वालों की पार्टी है। हम कानून का साथ देना चाहते हैं, कानून न्याय करे। विशाल पटेल जी के ऊपर भी प्रकरण दर्ज किया है। अब देखो कि विशाल पटेल है ही नहीं, कुछ पार्षदों के नाम है, वो वहीं थे ही नहीं, फिर भी उनके नाम लिख दिए। ये ना, इनकी सोच, इनका विचार, इनकी मानसिकता क्या है, ये समझ में आती है, और इसी मानसिकता के खिलाफ कांग्रेस पार्टी का युद्ध है। देखिए, ये इतिहास पहली बार हुआ कोई प्रदर्शन मौन प्रदर्शन कर रहा हो शांतिपूर्वक। हमारे कांग्रेस सब कार्यकर्ता वहां पर गए, आपने सबने मीडिया में नहीं देखा, पूरी मीडिया थी वहां पर, हिंदुस्तानी मीडिया थी, परंतु एक भी कार्यकर्ता आगे आया तो हम ज्ञापन देने, उसके पहले पानी की बुछारी कर दी गई, हमारे कार्यकर्ता लाठीचार्ज किया गया, हम सब साथ थे, उस दिन तक लाठीचार्ज किया, मुझे पाँव मारा, हमारे कांग्रेस का कार्यकर्ता मारा। परंतु ये इतिहास पहली बार हुआ, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहली बार ये दबाव की राजनीति कर रही है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता पहली बार इतना उत्साह से आया, इंदौर शहर के कई गणमान्य नागरिक आए थे, परंतु क्योंकि वो चाहते हैं कि नहीं कि कोई आए हमारे साथ। इसके पहले 4 रोज पहले ज्योतिराज सिंधिया जी की इंदौर में एक रैली हुई थी, उसमें गुंडे बदमाश सब लोगों ने मिलकर स्वागत किया, किसी ने तलवारें भेंट करी, किसी ने बल्ला भेंट करा, पर उस पर किसी कार्रवाई नहीं हुई। हम लोगों ने किसी ने शासकीय बाधा नहीं लगाई, 188 धारा कुछ लोगों को लगाई गई हमारे रूप में, तो 353 धारा लगाई, लगाना है तो सब पे सही धारा लगाए। हमने शासकीय बाधा का एक हवन किया, ना किसी ने पत्थर मारा, किसी ने लाठीचार्ज किया, ना किसी ने उतर किया। अभी पहली बार हुआ है, यहाँ कांग्रेस कार्यकर्ता दबाने की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। ये सब कार्रवाई करना है तो एक सारी कार्रवाई करें, हम पे भी 153 लगाए, हमने ऐसा कौन सा नुकसान करा वो जांच करें, कभी नहीं हो जांच निकालते हैं 53 धारा तो यहाँ 4 रोज बाद यहाँ पर हजारों लोग में आकर धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे। वहाँ से कहीं सर कांग्रेस के कार्यकर्ता आज ज्ञापन देने आए हैं।
कल कांग्रेस द्वारा प्रदर्शन किया गया था कलेक्ट्रेट पे, और उस क्रम में कुछ अपराध दर्ज हुए थे, उसके संबंध में उन्होंने अपना पक्ष प्रस्तुत किया है, ज्ञापन प्रस्तुत किया है, और अपेक्षा की गई है कि उस पर कार्रवाई की जाए। सर, कितने लोगों पे मामला दर्ज किया गया और कौन कौन विधायक? दो प्रकरण दर्ज किए गए हैं, एक 188 के तहत, एक 353 के तहत, उसके डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। सर, कितने लोगों पे किया गया ये? एक काफ़ी बड़ी संख्या में लोग जितने थे उन सब पर कार्रवाई की। विधायक कितने? विधायकों के नाम उसमें नहीं। विधायकों के नाम नहीं? जी। तो कांग्रेस का कहना है कि जो लोग वहाँ मौजूद नहीं थे उनके खिलाफ भी आप लोगों ने केस दर्ज किया है? जी हाँ, उसका इन्वेस्टिगेशन होगा और यदि कोई उसमें ऐसा पाया जाएगा तो उस पर भी समुचित कार्रवाई। KNN न्यूज़ के लिए इंदौर से जय सिमरिया की रिपोर्ट।